इस वीडियो में हमारा विषय है कि 80 ईयर्स मीनिंग इन हिंदी क्या होता है। यहाँ पर 80 का हिंदी में भावार्थ होता है 80। यहाँ पर ईयर्स का हिंदी में भावार्थ होता है वर्ष, जिसे आप हिंदी में साल भी कह सकते हैं। इस प्रकार 80 ईयर्स का हिंदी में भावार्थ होता है 80 साल, जिसे आप हिंदी में 80 वर्ष भी कह सकते हैं। इन शब्दों के उपयोग का उदाहरण वाक्य है, माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, और इस वाक्य का हिंदी में भावार्थ है कि मेरी दादी 80 वर्ष की हैं अथवा मेरी नानी 80 साल की हैं।